फ्रेंड्स वेलकम टू बॉली आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं। तो वो खुशखबरी किसी और के बारे में नहीं बल्कि ईशा अंबानी के हवाले से है। जी हां, ईशा अंबानी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। जब आप भी वो खबर सुनेंगे तो यकीनन आप भी बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी खबर है, क्या माजरा है, तमाम तफसीलात से आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और हमारी आपसे छोटी सी विनती है कि ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल बॉली आइडिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको आगाह करते हैं कि ईशा अंबानी और आदित्य ने 2018 में एक दूसरे के साथ शादी की थी। जी हाँ, वो शादी के बंधन में बंधे थे और अब उनके हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो शादी के बाद अब पहली दफा माता और पिता बने हैं। जी हाँ, आपको आगाह कर दें कि वे दोनों पेरेंट्स बनने पर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको आगाह कर दें कि ईशा अंबानी ने अमेरिका के एक हॉस्पिटल में दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जी हाँ, आपको आगाह कर दें कि अंबानी परिवार में बहुत ही सारी खुशियों ने जो है ना रास्ता लिया है, जिसकी वजह से अंबानी परिवार बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनके घर में जश्न सा समा है। आपको आगाह कर दें कि ईशा अंबानी ने एक जुड़वा बेटे और बेटी को जन्म दिया है। ईशा अंबानी मां बनकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने ये खबर अपने फैंस के साथ जो है ना वो शेयर की है कि हम आज माता और पिता बन चुके हैं। जी हाँ, हम एक बेटे और बेटी के माँ बाप बन चुके हैं। जैसे ही उनके फैंस ने यह खबर सुनी तो उनके बेटे और बेटी की पहली झलक देखने और उनके नाम जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो गए। तो आपको बता दें कि ईशा अंबानी ने अपने बच्चों के नाम आधा और उन्होंने अपनी बेटी और बेटी का नाम आधा और कृष्णा रखा है, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आपका इस खबर के हवाले से क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बता करें और हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें ताकि आए दिन हम आपको नित नई बॉलीवुड न्यूज से आगाह करते रहें। धन्यवाद।